वैसे लोग फिल्म में हमको मुखिया जी से जानते हैं। इस फिल्म में मैं एक नेता का रोल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये आतंकवादी फिल्म जो है, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आतंकवादी जो फिल्म बन रही है श्रेयस फिल्म के तहत, और इसके जो निर्माता हैं प्रेम राय जी एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। इनका एक शौक है अच्छी से अच्छी फिल्म बनाना, और दर्शकों को एक बहुत ही अच्छी मनोरंजन का फिल्म देने का इनका एक शौक है। दूसरी बात यह है कि जो ये कहानी है, ये नाम इसका आतंकवादी है, लेकिन ये आतंकवादी न बनने के लिए, युवाओं को न भटकने के लिए फिल्म बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि आज जो हमारे युवा वर्ग भटक करके आतंकवाद के तरफ जा रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, कैसे वो भाग जा रहे हैं, कैसे वो गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, उनको लौटाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको एक पाठ पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ये बहुत ही उच्च कोटि की फिल्म है। इसके संगीत भी बहुत अच्छे हैं, इसके गीत भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें जितने भी कलाकार काम कर रहे हैं वो अपने 100% योगदान दिए हैं। मैं दर्शकों से ये आग्रह करूँगा कि कंटिन्यू चलेगा ना। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार इस फिल्म को देखिए। इतनी अच्छी, इतनी मधुर संगीत मिलेगी, इतनी अच्छी इसमें परफॉर्मेंस सब लोगों ने किया है, चाहे वो प्रिया शर्मा जी हों, चाहे संभावना जी हों, हमारे सुपर स्टार खेसारी जी हैं, इन लोगों का परफॉर्मेंस एक अलग तरह का है, अलग तरह का काम उन्होंने किया है जो मनोरंजन से भरपूर है। मैं दर्शकों से फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखिए, और मुझे विश्वास है कि ये आपको भरपूर मनोरंजन देगा। और उसके बाद नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। आप लोगों से हमारा ये निवेदन है कि आगे आप लोग इस आतंकवादी को ज़रूर 17 में देखें, और उसके बाद इसका आनंद लें, और उसके बाद बताएं कि ये कैसी फिल्म बनाई गई है, अपना जो ये होता है अपना भी परामर्श दें हम लोगों को। आपने जैसे नेताजी की बात की, तो कौन से नेताजी जिसको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं कि हाँ ये नेताजी जैसे हमें होना चाहिए? हाँ जी, आज के समय में जो नेताजी हैं, वो नेताजी को तो हम समझते हैं कि मोदी जी की तरह ही होना चाहिए। हाँ, सारे युवाओं को जो आगे बढ़ा रहे हैं, गलत रास्ते से भटकने के लिए रोक रहे हैं, और एक अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छी तकनीक, अच्छी मतलब नौकरी पैसा देने का जो प्रयास कर रहे हैं। कोई भी नेता को, मैं समझता हूँ कि मोदी जी एक आदर्श नेता हैं हमारे देश में।